हमारे नेता, हम लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, हम उनको अपराधी नहीं मानते हैं। कई मामले हम किसी का नाम नहीं लेंगे कौन किस पार्टी में है, नहीं है। अजय सिंह हमारे प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, और हम लोग उनको जितना होगा धन बल से जितना मदद होगा हम लोग करके उनको चुनाव जिताएंगे। धन बल का प्रयोग सर होगा? अरे क्यों नहीं होगा भाई, तो कोई नई बात है नहीं। धन बल का मतलब रुपया छिट्टा नहीं होता है, बल का मतलब गोली चलाना नहीं होता है, बल का मतलब दौड़ना होता है, हाथ जोड़ना होता है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, न कि हमारा किसी और का है। और हमारे नेता नीतीश कुमार है, और उनके लिए हम वोट मांगने अजय सिंह के लिए आए हैं। अजय सिंह विधायक बन चुके हैं, जिसको बड़बड़ाना है, तड़तड़ाना है, तड़तड़ाते बड़बड़ाते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लग गया कि यह आपको लोकतंत्र है, सबका अधिकार है लड़ने का, हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अजय सिंह विधायक बन चुके हैं, केवल फॉर्मेलिटी बाकी है, फिर आप लोगों से रिजल्ट कितने ही पे बात करेंगे। आप जो फलाने में नॉमिनेशन कर दिए, वो कर दिए, वो फूट गए, वो हट गए, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को और कुछ जानना है तो जानिए, पूछिए। विरोधियों का कहना है कि जब अपराधी छवि के जब अजय सिंह थे तो फिर लोकसभा में एंट्री कर देना चाहिए, जब अभी दिए हैं। ये कौन कह रहा है? विरोधी जो है, विरोधी का नाम बताइए। क्या ओम प्रकाश जी को क्या पहले नहीं सोचे? जिस समय गठबंधन पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उस समय अजय सिंह अपराधी नहीं थे, और आज अपराधी हो गए? क्या साधु को जिताने हम लोग जा रहे थे क्या? इसके कविता सिंह का साथ दिया था, कविता सिंह को टिकट मिला था, अजय सिंह को तो नहीं मिला। अच्छा, अजय सिंह अपराधी हैं, तो ये आप लोगों के लिस्ट में अपराधी होंगे, लेकिन हमारे लिस्ट में और कानून के लिस्ट में नहीं है। चलिए यार, कहने से कोई अपराधी हो जाता है।